हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब कोई अच्छे होंगे एंड दुआ करती हूँ सब कोई हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जेल, जो कि है एलोवेरा जेल। आजकल मेकअप में हो गया, नॉर्मल स्किन केयर के लिए हो गया, हेयर केयर के लिए हो गया, हर कोई एलोवेरा जेल को यूज़ करना प्रिफर करते हैं। और डेफिनेटली एलोवेरा है ही ऐसा नेचर बेस्ड प्रोडक्ट जो कि अगर कि आपको प्लांट बेस मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको तो रेगुलर यूज़ करना ही करना है। अगर नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली हमको मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट का चूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह आप जानते ही होंगे, अभी मार्केट में तरह तरह की एलोवेरा जेल का क्या बोलते हैं उसको, एलोवेरा जेल आ चुका है। तो उस इतना सारा प्रोडक्ट के बीच में हमको अपने लिए एक सही प्रोडक्ट चूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर हम यूज़ करके ना देखें तो पता भी नहीं चलता कि कौन सा एलोवेरा जेल प्योर है, कौन सा एलोवेरा जेल हमको सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो कुछ इस तरह से मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी बहुत सारा एलोवेरा जेल यूज़ करके देखी हूँ और मेरे वीडियो में इससे पहले भी मैंने वाओ का एलोवेरा जेल का रिव्यू किया था। तो इसके साथ साथ अभी मैं और एक एलोवेरा जेल का यूज़ की, जो कि उस मैं उसके साथ भी फल इन लव हो गया मेरा, जैसे कि मुझे भी वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और वो है ऑर्बान बोटानिक्स का एलोवेरा जेल। तो ये भी अभी मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन स्टोर में। हर जगह तो वो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जैसे कि ये वाला जो पैकेज है मेरे हाथ में, ये है 200 ग्राम का प्रोडक्ट और इसका MRP है कुछ 399 रुपीज़। तो 1 ml इज इक्वल टू 2 रुपीज़ या 2.5 रुपीज़ के आसपास में आ रहा है। और अगर ये डिस्काउंट में नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड। तो एक्सपेंसिव के हिसाब से ये काम कितना करता है वो आज हम लोग बात करेंगे। तो इसको कैसे यूज़ करना है, मैं कैसे यूज़ करती हूँ और कैसे ये मेरे को रिजल्ट दिया, कितना दिन से यूज़ कर रही हूँ, कैसे मतलब और कौन कौन यूज़ कर सकता है, कब से इसको यूज़ करना चाहिए, सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि मैं वीडियो हर टाइम में ऑनेस्ट देती हूँ, यूज़ करके देती हूँ, साथ में आपको कुछ ना कुछ छोटा हो या बड़ा हो डेमो भी दिखाती हूँ। तो आज भी इस वीडियो में कुछ ऐसा ही होगा। तो ये वीडियो पूरा फुल देखिए, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो और हर तरह की, हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पे पहुंच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो जैसे कि आपको पता लगा कि ये है ऑर्बान बोटानिक्स का एलोवेरा जेल प्रोडक्ट, सबसे पहले क्या क्या क्लेम करता है हम उसके बारे में देख लेते हैं। और इसका पैकेजिंग आप देख लीजिए, बहुत ही नॉर्मल सा है, डेयर सा पैकेज है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। और छोटा सा जार के ट्यूब में आता है, ऊपर जो कैप है वो कुछ एल्युमिनियम की जैसे दिख रहा है और बोतल जो है वो प्लास्टिक का बोतल है, आप देख सकते हैं। तो और ऊपर में एक ठो ये जो है एक ठो कागज़ में, एक ठो पेपर का इसका इंस्ट्रक्शन सब यहाँ पे मेंशन करके दिया गया है। तो फिर दोस्तों, आपने तो इसका प्रोडक्ट क्वांटिटी जान लिया, MRP जान लिया, अब इसका आएगा सेल्फ लाइफ जो कि आपको मिल जाता है 2 साल के। तो काफ़ी काफ़ी अच्छा है 2 साल तक अगर एक एलोवेरा जेल का सेल्फ लाइफ है तो। बट इतना अभी के लाइफ में इतना एलोवेरा जेल का यूज़ होने लगा है कि 2 साल क्या, ये तो 6 महीने तक भी नहीं जाता है, जो कि मेरे यूज़ में मैं बोल रही हूँ। और ये मेरा थर्ड बोतल का पैकेज है जिसको मैं अभी बाय की हूँ और ये मैंने ऑनलाइन से लिया था। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, अगर आपको बाय करना है तो आप वहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं। फिर चलते हैं दोस्तों, इसका जो ये प्रोडक्ट क्या क्लेम कर रहा है, ये बोल रहा है कि आपका ये एलोवेरा जेल प्योर है, स्लाइटली थिक जेल है एंड एक्सट्रीमली डेली मॉइस्चर फॉर एंटायर बॉडी। ये आप बॉडी में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको फुल मॉइस्चराइज प्रोवाइड करेगा
और आपका जो सन से एक्सपोज होके जो आपका स्किन बर्न होता है उसमें थोड़ा सा आपको ये ठंडक देगा। ऐसा ये नहीं है कि आपको वो सन टैन से बचाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये थोड़ा सा आपको मॉइस्चर के साथ साथ थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट दे सकता है। डायरेक्शन पर यूज़ कैसे यूज करना है, अप्लाई डायरेक्टली टू द स्किन एंड लेट इट एयर ड्राई फॉर बेस्ट रिजल्ट। ऑब्वियसली दोस्तों क्यों इसको एयर ड्राई होने देना है, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन का यूज किया गया है और जहाँ पे ग्लिसरीन का यूज किया होता है वहाँ पे थोड़ा सा चिपचिपाहट तो हमको होता ही होता है। तो इसीलिए हमको इसको पहले अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा पेट ड्राई करना पड़ेगा। पेट ड्राई नहीं, आप एयर ड्राई भी कर सकते हैं। तो ये नेचर केयर का ऑर्बन वाटरिंग से प्योर एलोवेरा जेल है। इसमें विटामिन ई के साथ आपका नेचुरल एमलेंट्स भी आता है और ये फ्री है पाराबिन, अल्कोहल, फ्रेग्रेंस, कलर। इसमें कुछ भी एडिट नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का फ्रेग्रेंस या फिर कलर नहीं ऐड है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, अल्कोहल फ्री है, पाराबिन फ्री है। तो स्किन के लिए पाराबिन फ्री प्रोडक्ट यूज़ करना मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा होता है। अल्कोहल पाराबिन नहीं है तो ड्राई स्किन के लिए तो एक्सट्रीमली हेल्पफुल होने वाला है ये। और मेरा स्किन जो है वो हमेशा आप जानते ही हैं ड्राई टू एक्स्ट्रा ड्राई में है, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट मुझे बहुत सूट किया। जैसे ही मैं लास्ट वीडियो में अपलोड की थी वाओ स्किन केयर का एलोवेरा जेल, उसको यूज़ करने से मैं आपको बताई थी, मेरा फर्स्ट यूज़ में मुझे थोड़ा सा हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन आया था, बट इसको यूज़ करने के बाद वो नहीं आया। भले ही वाओ एलोवेरा जेल धीरे धीरे वो मेरे स्किन को सूट करने लगा, बट ये फर्स्ट डे से ही मुझे बहुत ही अच्छी तरह से सूट कर दिया है। तो फिर चलिए हम इसका जेल का टेक्सचर देख लेते हैं। और ये देखिए कुछ भी नहीं, बस ऐसे रोटेट होके आपका कैप ओपन होगा और ये है आपका जेल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आप देख रहे होंगे, ना ही ज़्यादा रनी है ना ही ज़्यादा थिक है, बट हाँ ये गिर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो ओपन सरफेस है ना ये बहुत ही बड़ा है, मतलब इसका जो ओपन करने का है ये बहुत बड़ा है ताकि आप इसको इजीली निकाल सकते हैं कोई भी चम्मच या ये से भी। तो ये देखिए मैं इसको निकाल करके दिखाई हूँ आपको, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, देखिए बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट, इसमें कुछ भी दोस्तों फ्रेग्रेंस नहीं है। तो चलिए मैं इसको अपने हाथों पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। और एलोवेरा जेल है, ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए आपको इतना कुछ भी फर्क महसूस नहीं होगा, नहीं पता चलेगा, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा साइन तो प्रोवाइड करेगा ही। और ये लगाते टाइम भी बहुत ही अच्छा से एक तो कूलिंग इफेक्ट हमको दे रहा है, इस वजह से कि इसमें ग्लिसरीन है, ये थोड़ा सा सूखने में टाइम लेगा। तो आप इसको अप्लाई करके तुरंत ही कुछ भी अप्लाई मत करिए, क्योंकि हम एलोवेरा जेल को हर कोई मतलब बहुत जन जो है वो अपने स्किन पे मेकअप का बेस की तरह यूज़ करते हैं, प्राइमर की तरह यूज़ करते हैं। तो अगर आप भी ऐसे यूज़ करते हैं तो इसको सूखने के लिए थोड़ा 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, इतना जल्दी ये एब्जॉर्ब नहीं होता है फॉर ग्लिसरिंग। और आप ये देखिए मैंने इसको अप्लाई कर लिया, मुझे थोड़ा सा चिपचिपा तो फील हो ही रहा है, बट 2 मिनट तक आप इसको अगर छोड़ देंगे या फिर एयर ड्राई कर लेंगे तो ये आराम से सूख जाएगा। और ये देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ ना, तो ये बहुत ही जल्दी से सूख जा रहा है। दूसरा, ये हम हेयर में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो दोस्तों मैं इसको हेयर पे यूज़ करना प्रीफर नहीं करती ऑनेस्टली, क्योंकि इसमें जो ग्लिसरीन का यूज़ किया गया है इस वजह से ये जो है थोड़ा सा चिपचिपा कर देता है हेयर को। और जिसलिए कि मुझे हमेशा बाहर जाना होता है ड्यूटी के लिए, अपना ऑफिस के लिए, तो मैं उसको बाल थोड़ा चिपचिपा जैसा हो जाता है, फ्री नहीं लगता इतना भी, मतलब बहुत ही ज़्यादा चिपकू टाइप का हो जाता है, पर्टिकुलरली ये एलोवेरा जेल को बालों में यूज़ करने के बाद। तो इसीलिए मैं इसको बालों में यूज़ करना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं कर रही हूँ। बाकी ये मुझे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड रोज अभी मैं अगर इसको अभी जो अप्लाई कर लेना तो ये मेरे ऊपर एक ठो देखिए वो सूख भी गया और ऊपर एक ठो लेयर मुझे छोड़ के गया है, जो कि अगर मैं अभी बाहर भी जाऊँ तो इतना इतना धूल मिट्टी डायरेक्टली हम लोग का स्किन के पोर्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ये ऊपर ही लेयर में रह जाएगा। और वो जब हम वॉश करेंगे या फिर
टिश्यू से आप रिमूव करेंगे कुछ भी, तो आपको पता चल जाएगा आपके अगर बाहर से आए हुए हैं तो जितना भी मैला है ऊपर के लेयर में रह जाएगा, डायरेक्ट आपकी स्किन को टच नहीं करेगा। तो इसीलिए ये आप फुल बॉडी में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपना फेस में एज ए मॉइस्चराइजर, एज ए नाइट क्रीम, नाइट सीरम, आप कुछ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट मैं बालों के लिए प्रीफर नहीं करती हूँ। बस दोस्तों ये था इसका ऑनेस्ट रिव्यू, और इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। आप खुद अगर यूज़ किए हैं तो आप जानते होंगे, अगर किए हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट क्या रहा है, आपके साथ कैसा, आपको कैसे महसूस हुआ इसको यूज़ करके, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर नहीं किए हैं तो डेफिनेटली मैं इसको, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं कि ऐसे भी नहीं कि हम एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम इसको एफोर्ड कर पाएंगे इजीली। तो चलिए फिर, आप यूज़ किए हैं तो रिजल्ट बताइए, अगर नहीं किए हैं तो डेफिनेटली इसको एक बार खरीद सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और कैसा लगा इसका रिजल्ट और ये आज का मेरा वीडियो, जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के रिव्यू के साथ, ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।